बिजली की बदहाली से तंग जनता का दर्द लेकर जीएम कार्यालय पहुंचे सदर विधायक मनीष जायसवाल। हजारीबाग जिले में बिजली की बदहाली से तंग जनता का दर्द लेकर मंगलवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शहर के जुलू पार्क स्थित बिजली विभाग जीएम कार्यालय पहुंचे। यहां बिजली विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के 11 गांव ट्रांसफार्मर जलने के कारण अंधेरे में रहने की बात है और वहां के आवाम के दर्द से बिजली आपूर्ति क्षेत्र हजारीबाग के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता अशोक कुमार सिन्हा और सप्लाई एक्सक्यूटिव महादेव मुर्मू को अवगत कराया और जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि बिजली कटौती की समस्या पुनः बढ़ती जा रही है। देश एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हजारीबाग में 15 से 17 घंटे की बिजली कटौती होने से आवाम, व्यवसायी, किसान सहित सभी वर्गों के लोग परेशान रहे। हजारीबाग से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। बिजली की स्थिति हजारीबाग में फिर से खराब हो रही है। कल 15 अगस्त के दिन भी लगभग पूरे ही दिन शहर में बिजली नहीं रहा। आज के दिन हमारे पास लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में लगभग 11 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। कोई हफ्ता, कोई दो हफ्ता, एक एक महीने से है। तो उसी को लेकर के आज हम लोग आए थे जीएम से मिलने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह ही वही अपनी मजबूरी को इनको गाना है और इन्होंने वही किया है। अब हम लोग रणनीति बनाएंगे कि हम लोग को क्या करना है इनको सुधारने के लिए।